और जिसके नाते पूरा देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करने के लिए उनके साथ चला। उन्होंने एक संकल्प लिया कि अगर देश में गरीबी है तो हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो लोग एक वस्त्र पहन करके रहते हैं। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन भर एक वस्त्र के आधार पर अपना जीवन बिताया और भारत में उन दोनों ग्रामीण परिवेश के आधार पर अर्थव्यवस्था हो इसकी संकल्पना दी। लाल बहादुर शास्त्री जी 1966 में हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से जय जवान जय किसान का नारा दिया उसका परिणाम हुआ कि भारत में वह प्रचलित हुआ और जवान और किसान मिलकर के जो देश को आर्थिक रूप से और देश की सुरक्षा को लेकर करके पूरी तौर पर सन्नद्ध रहे, यही अमरता होती है कि आज सब लोग गांधी जी के और शास्त्री जी के प्रतिमा पर जाकर करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो श्रद्धांजलि नहीं बल्कि उनके अमरता को नमन कर रहे हैं, यही पूरी जीवन की एक गाथा होती है। मुझे लगता है कि सबको राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखकर के ही कार्य करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से संघर्ष इन दिनों देखने को मिल रहा है, अलग अलग देशों ने अपना कर करके वहां पर लगाने का काम किया है, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी माने जाते थे। हिंसा के खिलाफ हमेशा वो रहे। तो मेरा यह मानना है कि एक चीज बहुत साफ है, उन्हीं के अनुयायी के रूप में आज देश के प्रधानमंत्री जो जाकर करके चाहे रूस का चाहे यूक्रेन का युद्ध रहा वहां, ये कहे कि युद्ध हल नहीं है, गांधी जी का संकल्प ही हल है, अहिंसा, लोगों को एक जोड़ना, तो शांति ही हल है जो गांधी जी कहा करते थे। आज उस बात को देश के प्रधानमंत्री भी दूसरी जगहों पर भी जाकर के सिद्ध कर रहे हैं, और तभी लोग ये कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन और रूस के युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो चीन है, ब्राजील है और भारत है। ये तीन नाम लिया, भारत उसमें इस नाते है कि गांधी जी ने संदेश दिया, वो संदेश हम पालन कर रहे हैं।